उज्जैन चिंतामन गणेश मंदिर में पिछले 2 साल से चल रहा था निर्माण कार्य 50% काम भी पूरा नहीं हुआ है, लिहाजा मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उज्जैन में चिंतामन गणेश मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य की धीमी गति से व्यवस्था प्रभावित हो रही है, इससे दर्शनार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सन 2019 में निर्माण कार्य की शुरुआत हुई थी, इसके बाद से ही अधिकारी व ठेकेदार के बीच विवाद, अफसरों में संवादहीनता, प्लान में परिवर्तन और अब फंड की कमी के चलते प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ है। बताया जाता है कि बीते 2 सालों में अब तक 50% काम भी पूरा नहीं हो पाया है। प्रबंध समिति द्वारा चिंतामन गणेश मंदिर परिसर में 1,80,00,000 रुपए की लागत से निर्माण व सौंदर्यीकरण के काम कराए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सभा मंडप का विस्तार, पाथवे, VIP गेस्ट हाउस, संत निवास, विवाह के लिए शेड तथा सुलभ शौचालय का निर्माण होना है। समिति ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया है। अनुबंध के मुताबिक एजेंसी ने 22 जुलाई 2019 को निर्माण का ठेका दिया था। इसके कुछ समय बाद ही ठेकेदार ने कार्य भी शुरू कर दिया था। शुरुआत के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन इसके बाद ठेकेदार व RES के अधिकारियों के बीच विवाद हो गया। काफी समय तक विवाद के चलते कार्य रुका रहा। समझौते के बाद काम फिर शुरू हुआ, लेकिन प्लान व डिजाइन में परिवर्तन, मंदिर समिति व RES अधिकारियों के बीच संवादहीनता के कारण बीच बीच में अवरोध आते रहे। ऐसे में अब तक 50% काम भी पूरा नहीं हो पाया है। मंदिर व्यवस्था से जुड़े लोगों का कहना है कि प्लान में परिवर्तन व कुछ नए काम जोड़ने से फंड की कमी आ गई है, इसलिए निर्माण एजेंसी व ठेकेदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मंदिर प्रबंध के अभिषेक शर्मा के अनुसार निर्माण एजेंसी व ठेकेदार काम को प्लानिंग से नहीं कर पा रहे हैं, पूरा परिसर एक साथ खोद दिया गया है। चिंतामन गणेश मंदिर का जो काम है, पूर्व में जब काम विभाग द्वारा जो उसका प्लान बनाया गया था, तो मंदिर की व्यवस्थाओं और मंदिर की चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्लान नहीं बनाया गया था। उक्त प्लान में बार बार समय पर परिवर्तन होने की वजह से उस काम में काफ़ी देरी हो रही है। अभी भी हमारे यहाँ जो काम चल रहा है उसमें चद्दर शेड की जगह अभी हम छत डलवा रहे हैं, तो ऐसे जो बार बार परिवर्तन हो रहे हैं और विभाग के जो अधिकारी वगैरह जो भी लोग रहते हैं इन सब के हिसाब से फिर जो काम होता है, मैं समय से सब अधिकारियों का अवगत करा देता हूँ, परंतु सबका तालमेल नहीं होने की वजह से काम में बड़ी तकलीफ होती है। परंतु